अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्जवारी, और आज हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वह इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है और बड़ा ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव आज की हमारी वीडियो है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हज़रत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी के मौजज़ात। देखें, अंगूठियाँ पहनना और अंगूठियों के अंदर पत्थरों को बंद करवा कर पहनना औलिया अल्लाह सालहीन अकाबरीन की सुन्नत तो है ही, ये अम्बियाए कराम और बिलखसूस जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत और हुज्जत है। हर मुसलमान को चाहिए कि सुन्नत समझते हुए कि एक अकीक की अंगूठी अपने हाथ में ज़रूर पहने, क्योंकि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो अल्लाह के एक बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, और जिन अम्बियाए कराम अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में जिक्र हुआ उनमें से एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाई कि ऐ मेरे मालिक, मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा जो तूने मुझसे पहले किसी को ना अता फरमाई हो। चनाचा आपकी दुआ को कबूल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चरिंद परिंद जिन्नात और हवा पर तस्खीर बख्शी। आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, आप जिन्नात पर हुकूमत किया करते थे। आपने जिन्नात से 300 300 या उससे भी बेशतर कुएं खुदवाए। आपने मस्जिद अक्सा की तामीर जिन्नात से कराई। आपने हैकल सुलेमानी भी जिन्नात से बनवाया। आपने बैतुल मुकद्दस की तामीर भी जिन्नात से ही करवाई, और भी बेशुमार काम आपने जिन्नात से करवाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिन्नात पर रूहानी तसर्रुफ अता फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उन्होंने हमारी तरफ रुजू किया। अब इसकी तफसीर में आइमाए कराम मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने कुछ यूं लिखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जजीरा नुमा गांव जिसका नाम जैतून गांव था, उस पर हज़रत सुलेमान ने हमला कर दिया। उस जजीरे पर जब आप अलैहिस्सलाम ने हमला किया तो इस हमले के अंदर उस जजीरे का जो बादशाह था वो मारा गया, और उसकी बेटी जो कि बाद में मुसलमान हो गई वो भी माल गनीमत के तौर पर आपके सामने लाई गई। जब वो आपके सामने लाई गई तो उसने इस्लाम को कबूल किया, तो हज़रत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह कर लिया, और यूं वो आपके साथ रहने लगी। अब चूंकि वो शहजादी थी, वो सब कुछ को तो भूल गई लेकिन अपने बाप को नहीं भुला सकी। वो वक्तन फवक्तन अपने मरे हुए बाप को याद करके बेतहाशा गमगीन होती। उसकी इस गमगीनी को देखकर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके जिन्नात को हुक्म देकर उसके बाप की एक शबीह ही बनवाई, यानी एक पुतला बनवाया, और वो बुत बनवाकर उस औरत के कमरे में रखवा दिया, जिसको देखकर वो बेतहाशा खुश हुई और उसके दिल को तसल्ली हुई। उसे जब भी अपने वालिद की याद आती तो वो उस बुत को देखकर अपने दिल की तस्कीन कर लिया करती थी। चराचा वक्त गुजरने के साथ साथ उस औरत की जो कनीज़ें थी और महल के जो दूसरे कमज़ोर अकीदा लोग थे, उन्होंने खुफिया तौर पर उस बुत की पूजा शुरू कर दी। अब ये पूजा 40 दिन तक खुफिया तौर पे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर होती रही। जब इस बात का पता आपके एक वजीर बुजुर्ग आसिफ बिन बरखिया को इसका पता चला, तो उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये बात बताई, तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम बेतहाशा गुस्से हुए और उन्होंने अपनी उस बीवी को महल से निकाल दिया और उस बुत को भी तोड़ दिया। चनाचा जब ला इल्मी में 40 दिन तक उस बुत की पूजा आपके महल में होती रही, इसके बाद आप सजदे में घिरकर अल्लाह के हुजूर इस गुनाह या इस गफलत की माफ़ी तलब करने लगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इस गफलत के तुफैल आप पर एक बड़ी आजमाइश डाल दी, जिसका तर्जमा कुरान में कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं जिक्र फरमाया कि और फिर हमने सुलेमान पर आजमाइश डाली और उसके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया कि जिसके बाद उन्होंने फिर हमारी तरफ रुजू किया। चनाचा असल में इस किस्से की जो तफसीर है
वो तफसीर इब्ने कसीर इमाम इब्ने कसीर ने कुछ रिवायात के मुताबिक कुछ इस तरह लिखा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम तर जो रूहानी तसर्रुफ था वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक अंगूठी पर था, जिसे हजरत सुलेमान की तिलसमाती अंगूठी का नाम दिया जाता था। ये अंगूठी चांदी की थी और इसके अंदर एक याकूत जो कि गहरा सुर्ख रंग का था, जो कि आसमानों से उतारा गया था, वो इसके अंदर जड़ा हुआ था। चनाचा इस पत्थर के ऊपर कुछ की बेशाकीमती सुरियानी जुबान में तलस्मात भी कुंदा थे और बाद रिवायात के मुताबिक कि इस अंगूठी के नगीने के ऊपर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुंदा था। उस अंगूठी से ऐसे तसर्रुफात निकला करते थे कि आपको जिन्नो इंस पर अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई थी। आप जब कजाए हाजत के लिए जाया करते तो उस अंगूठी को उतारते या हालत जराबत में होते जब अपनी बीवियों के पास जाते तो जब उसको उतारा करते थे और उस अंगूठी को अपनी एक काबिल एतमाद खादमा जिसका नाम अमीना था उसको बतौर अमानत दिया करते थे। चनाचा मामूल के मुताबिक एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कजाए हाजत के लिए बैतुलखला जा रहे थे तो आपने मामूल के मुताबिक उस अंगूठी को, उस मुकद्दस तिलस्माती अंगूठी को उतारा और अपनी खादमा अमीना को दे दिया। अब जब आप बैतुलखला चले गए तो इतने में एक शैतानी हमजाद जिन वो ज़ाहिर हुआ और वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ही शक्ल में था। उसने आकर उस अमीना नामी कनीजा से वो अंगूठी वापस ले ली और लेकर, चूंकि अंगूठी पर अल्लाह ने ऐसे रूहानी तसर्रुफात जाहिर किए थे कि जिसकी वजह से आपकी पूरी सल्तनत कायम थी, वो अंगूठी जब एक शैतानी हमजादी जिन के पास पहुंची तो वो तख्त नशीन हो गया और उसने तमाम अमूर सल्तनत को संभाल लिया। चनाचा जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुलखला से बाहर निकले तो बैतुलखला से बाहर निकलने के बाद आपने वो अंगूठी अपनी गुलाम या खादमा से तलब की तो वो ये देखकर हैरत में रह गई कि अंगूठी तो मैं कब की वापस कर चुकी हूँ। तो आप ये सुनकर बेहद हैरान हुए। जब आप दरबार में पहुंचे तो आपकी ही शक्ल का एक शैतानी जिन आपके तख्त पर तख्त नशीन था। आप देखकर बड़े हैरान हुए। आपने तमाम दरबार वालों से कहा कि मैं सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम हूँ, जिसको सुनकर तमाम दरबारी आपका मजाक उड़ाने लगे। आप ये समझ चुके थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे नाराज़ हैं और आपको आजमाइश से गुजारा जा रहा है। चनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने शहर को छोड़ दिया और दूसरे शहर चले गए। वहाँ जाकर आप एक शख्स के पास मुलाजमत आपने अख्तियार की और उसके साथ मिलकर समंदर से या दरिया से मछली पकड़ने के काम आपने शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा और आप साथ साथ अल्लाह के हजूर अपनी तौबा को पेश करते रहे। 40 दिन गुजरने के बाद जब वो जो हमजादी शैतान था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल को अख्तियार करके तख्त सुलेमान पर कब्जा कर चुका था, जब उसके तौर तरीके दरबारियों ने देखे तो उन्हें महसूस होने लगा कि ये शख्स हजरत सुलेमान नहीं, ये कोई और है। चनाचा दरबार में मौजूद उलमा ने, मशाइख ने मिलकर एक मशवरा तय किया कि क्यों ना हम इसके गिर्द इकट्ठे होकर, जब ये तख्त नशीन हो तो इसके गिर्द इकट्ठा होकर तौरात की तिलावत की जाए। अगर कोई ये शैतान है तो ये उसी वक्त अल्लाह के कलाम को सुनकर भाग जाएगा। चनाचा उन्होंने ऐसे ही किया और 40 दिन भी गुजर चुके थे इसकी हुकूमत को, तो उन्होंने ऐसे ही किया। वो उस तख्त के गिर्द जमा होकर, तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा होकर तमाम उलमा और मशायख ने जब तौरात की तिलावत शुरू की तो तौरात की तिलावत वो अल्लाह का कुरान, वो अल्लाह की इलहामी किताब थी, अल्लाह का कलाम था। उसको सुनकर वो शैतानी हमजाद भाग खड़ा हुआ और जब वो भाग खड़ा हुआ तो लोगों के सामने उसकी हकीकत खुली किताब की सी थी। और जाते जाते उस शख्स ने वो अंगूठी उतारी और उतार के समंदर में फेंक दी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कुदरत देखें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर खुफिया तौर पर 40 दिन शिर्क हुआ और अल्लाह ने 40 दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला।
जब 40 दिन पूरे हो गए उसकी हकीकत खुल चुकी थी उस शैतानी हमजाद जिन की, और वो भाग खड़ा हुआ और जाते जाते वो अंगूठी समंदर या दरिया में फेंक गया ताकि ये अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना मिल सके। चनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया और जैसे ही उस शैतानी जिन ने वो मुकद्दस अमारत पानी में फेंकी, दरिया या समंदर में फेंकी, तो उसको एक मछली ने निगल लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के तहत वो मछली उसी जाल में फंसी जिस जाल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम डालकर मछलियों को पकड़ा करते थे। होता यह था कि मछलियां जब इकट्ठी हो जाती तो फिर आपको मजदूरी के तौर पे, जिसके यहां आप मुलाजमत करते थे, वो शख्स रोजाना की बुनियाद पर आपको 2 मछलियां दिया करता था बतौर उजरत। चनाचा अल्लाह की शान कुदरत देखें कि उस दिन वही मछली आपके हिस्से में आई जिसने आपकी अंगूठी को निगला था। जब आप उसको लेकर आए, आपने उसके पेट को चाक किया तो अंदर से वो नबूवत की अलामती अंगूठी आपको मिल गई। ये देखकर आपने सजदा शुक्र अदा किया और उस अंगूठी को आपने पहन लिया। अंगूठी का पहनना ही था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फिर से इंसो जिन्स की तस्खीर अता फरमाई और आप वापस अपने मुल्क वापस चले गए। जब आप वहां अपने मकामी शहर पहुंचे तो लोगों ने आपको पहचान लिया और आपने अल्लाह के यहाँ बड़ा शुक्र अदा किया। दरअसल ये वो अंगूठी जो थी ये एक अलामत थी आपकी नबूवत की, जैसे मूसा अला नबी ना का नबूवत की अलामत जो थी वो उनका आसा था। जब कोहतूर पर हजरत मूसा की अल्लाह से मुलाकात हुई तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये क्या है? तो मूसा अला नबी ना ने फरमाया कि ये मेरा आसा है, इससे पत्ते झाड़ता हूँ, इससे टेक लगाता हूँ, इससे बकरियां चराता हूँ और इस तरह के और भी बेशुमार काम लेता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा अपने आसा को फेंको। हजरत मूसा ने अपने आसा को फेंका तो वो सांप बन गया। ये देखकर आप भागे तो अल्लाह ने फरमाया, डर मत मूसा, इसे पकड़, तेरा रब इसे फिर से डंडा बनाएगा। तो वो उनका अलामत बन गई उनकी नबूवत की। तो ऐसे हजरत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की जो अलामत थी नबूवत की, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की वही अंगूठी थी जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको तमाम हवाओं पर, जिन्नात पर, परिंदों पर आपके तसर्रुफ को कायम कर रखा था। चनाचा बाद रिवायात में यह है कि आपके बाद ये अंगूठी आपकी नस्ल में आगे पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होती रही और बाज़ मुहद्दिसीन और मुफक्किरीन और मुहक्किकीन ने यह लिखा कि नहीं, आपकी वफात के बाद इस अंगूठी को हैकल सुलेमानी में मौजूद ताबूत सकीना के अंदर रख दिया गया जिसमें बाकी अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के रूहानी तबर्रुकात मौजूद हैं। बाज़ ने यह लिखा कि यह अंगूठी इस वक्त हजरत सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ में है और वो जब दोबारा इस रूए ज़मीन पर तशरीफ लाएंगे तो उनकी निशानी यही होगी कि उनके हाथ में हजरत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की वो कृष्माती और तिलसमाती अंगूठी उनके हाथ में होगी। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के रूहानी तसर्रुफात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे उनको इंस और जिन्नात और हवाओं पर अख्तियार दिया था। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।